हे एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम बैक माई चैनल। सो आज मैं बहुत दिनों बाद अपने हेयर में ऑयलिंग करूँगी एंड आप लोगों के साथ भी बहुत दिनों से हेयर ऑयलिंग का वीडियो शेयर नहीं की थी, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एंड यह मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और पैरासूट का कोकोनट ऑयल है। ये बहुत दिनों से है मेरे पास क्योंकि मैं एक बार में ही 500 ml का मंगाई थी, तो अभी तक चल रहा है। और फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा हेयर फॉल ज़्यादा ही हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं बेसिक मेरा जो है हेयर ऑयलिंग वगैरह करने की टाइम नहीं मिलता है, सो मैं ज़्यादा हेयर ऑयलिंग भी नहीं कर पाती हूँ। अभी जैसे कि देख सकते हो, मैं ब्लैक टी शर्ट में हूँ, तो मैं जस्ट अभी शाम का टाइम है, तो मैं शाम में काम से आ चुकी थी, तो इसलिए सोची कि चलो थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग करके भी देख लेते, फिर नेक्स्ट डे मैं शैम्पू भी कर लूँगी, देन देखते हैं थोड़ा सा हेयर फॉल वगैरह कम होती है कि नहीं। सो मैं इसलिए मतलब कुछ होप लेके हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं एक बार में ऐसे हाथ घुमा रही हूँ ना, इतना इतना हेयर आ रही है, देख सकते हो इतना सा। ये तो कुछ नहीं है, आगे 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 आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा कि मेरा कितना सारा हेयर फॉल हो रही है। और बेसिक जो हेयर फॉल का मैं ये बता देती हूँ कि क्यों हो रही है, और मेरे ही वजह से हो रही है, ताकि क्योंकि मैं अभी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, अपने खुद ही ड्राइव करती हूँ, तो हेलमेट वगैरह ज़्यादा पहन लेती हूँ, तो इतना में जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, कभी जो हेयर को कवर कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, और कभी कभी होता है कि जल्दी जल्दी में होती हूँ तो हेलमेट के ऊपर ऐसे ही पहन लेती हूँ, डायरेक्ट हेलमेट पहन लेती हूँ, और बाकी स्टॉल वगैरह से कवर नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रही है। और अभी फ़िलहाल के जितना भी देरी हो था कि मैं हेयर को कवर करती हूँ, देन मैं हेलमेट पहनती हूँ, और हेलमेट में मेरे पास ज़्यादा अच्छा हेलमेट नहीं था पहले, तो इसीलिए वो जो लोकल वाला मिलता था ना, क्योंकि पहले मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो हम लोग जैसे कि बाइक पे हस्बैंड के बाइक पे ही जाते थे, तो पीछे एक हेलमेट चाहिए था, तो कभी कभार बाहर जाना होता था, तो हम लोग इसीलिए वो सस्ता वाला एक 500 rupees का वो हम लोग ने ली थी, तो उसी में ही मैं काम चला रही थी। अभी जैसे कि इतना हेयर फॉल हो रही है, सब बोल रहे हैं कि जो लोकल हेलमेट है यूज़ करने से ऐसे ही होते हैं, तो इसीलिए मैंने अभी अपने लिए अच्छा वाला हेलमेट भी ले लिया है। और हेयर फॉल तो बट मेरा बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो चुकी है, और खाने पीने की वजह से टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पानी पीना ठीक टाइम पे नहीं हो पाता है इसीलिए, और थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है, इसीलिए मेरे जो हेयर फॉल वगैरह हो रही है। और क्योंकि मैं, और एक वजह भी ये हो सकती है कि लेट नाइट तक अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हो, तो मतलब ऐसे आँखों में प्रेशर आ रही है, तो उसी वजह से वो हो सकता है, पता नहीं। अभी जो भी है, तो हेयर फॉल शुरू है अभी तो फ़िलहाल के, जब ऑयलिंग कर रही थी तब भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा था, अभी जैसे कि वीडियो एडिट कर रही हूँ, काफ़ी 3-4 दिन हो गया ये वीडियो शूट करते हुए, तो अभी फ़िलहाल के थोड़ा सा कम है, और आई होप आगे भी अच्छा हो एंड रीग्रोथ वगैरह हो, जो भी होगा आपके सामने ही होगा, आपके साथ तो मैं हूँ ही, तो आपको देखने को मिलेगा आगे मैं पूरा टकली हो जाती हूँ या हेयर फिर से आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं नॉर्मल जो ऑयलिंग है वो कर ली थी, देन मैं थोड़ा सा मसाज वगैरह कर लूँगी क्योंकि रिलैक्सिंग के लिए, क्योंकि मैं एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, पूरा दिन काम करके हूँ वो स्ट्रेस है, बट मेरे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अभी हो ही आ रही थी, क्योंकि मेरे फेस में भी दिख रहा है आप लोगों को, जैसे कि मेरा ज़्यादा टेंशन हो ही रही है कि मेरा हेयर फॉल इतना क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, कब बंद होगी, कब बंद होगी, इसीलिए ज़्यादा टेंशन है, तो आपको दिख रहा है शायद सैड सैड सा फेस दिख रहा है, तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं क्या करूँ, मुझे इतना टेंशन हो रही थी ना इतना हेयर फॉल देख के। सो यहाँ ऑयलिंग करके यहाँ थोड़ा सा हेड मसाज में अपने लिए रिलैक्सिंग कर रही हूँ, बट मेरा फेस देखिए इतना सड़ा हुआ है कि मैं मसाज को ठीक से फील भी नहीं कर पा रही हूँ, और मसाज तो ठीक से कर रही हूँ अपने आप जितना हो सके उतना, और आपको थोड़ा सा अगर अपने आप मसाज कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रेशर दे के ही करनी है, एंड जो ईयर्स के नीचे, ईयर्स के जो पीछे है एक गड्ढा जैसे होता है ना, तो वहाँ थोड़ा सा प्रेशर दे के ही, प्रेशर पॉइंट दे के ही आपको मसाज करनी है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऑयलिंग नॉर्मल है, अगर नॉर्मल हेयर है आपके, तो आप हेयर ऑयलिंग हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, देन हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश भी कर सकते हो,
और फिलहाल के मैं ये जो हेयर ऑयलिंग कर रही थी ना, तो लास्ट है हेयर ऑयलिंग में, क्योंकि इसके बाद और हेयर ऑयलिंग नहीं की थी बिकॉज ऑफ माई हेयर फॉल। मैं अभी फिलहाल के जो डॉक्टर के पास से कुछ ले रही हूँ मेडिसिन वगैरह, तो उन्होंने बोला कि हेयर ऑयलिंग नहीं कर सकते, तो मैं इसलिए अभी फिलहाल के हेयर ऑयलिंग कर नहीं कर रही हूँ। ये जो बहुत दिनों बाद आज कर रही थी हेयर ऑयलिंग, तो आपके साथ शेयर की हूँ, और ये लास्ट है। और अभी फिलहाल के पूरा हेयर फॉल होना बंद हो जाए, देन मैं फिर से हेयर ऑयलिंग वगैरह करूँगी। और बेसिक चीज़ें ऑयल ये नहीं है, क्योंकि अभी ऑयल नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं जो मेडिसिन का शैम्पू है वो यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए ऑयल नहीं लगा सकती। नहीं, इसलिए नहीं लगा। बेसिक तो कोकोनट ऑयल वगैरह बहुत अच्छा होती है। और फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसी हेयर फॉल की कुछ भी हो रही है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, मेथी का जो है, मेथी का पेस्ट, मेथी और चावल का पेस्ट बना के अपने हेयर में लगा सकते हो एज ए मास्क। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, कोकोनट हेयर ऑयल है ना, कोकोनट ऑयल में आप मेथी दाना डाल के रखिए, देन वो वाला ऑयल भी आप लगाओगे ना, तो बहुत अच्छा हेयर फॉल होने की कोई चांसेस नहीं होती है। क्योंकि आप लोग तो मेरे तरह इतना बाहर नहीं जाते होंगे, एंड जो गलत सलत चीज़ें नहीं करते हो ना, तो इसीलिए मैं भी बाई मिस्टेकली हो गया है, क्योंकि मैं भी पहले नहीं पता था, जो मेरा नया प्रोफेशन है वो बाहर जाना होता है, तो इसीलिए मुझे पहले भी इतना सारा चीज़ें नहीं पता, धीरे 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 करके पता चल रही है क्या करनी है क्या नहीं करनी है। आगे जाके बहुत एक्सपीरियंस भी हो रही है कि नहीं ये करनी है ये नहीं करनी है। और ये देखिए, मैं जैसे कि ऐसे भी सोच लिया था कि नॉर्मल कोम से मेरा हेयर फॉल हो रही है, इसीलिए मैं लकड़ी का जो वुडन कोम लेके आई हूँ, फिर भी कोई काम नहीं है। फ्रेंड्स, बेकार की बातें होती है कि वुडन में काम होती है, ये होती है, कुछ नहीं होती। अगर आपको हेयर फॉल होनी है, अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन्स वगैरह कमियाँ हो रही है, तो हेयर फॉल होनी ही है। ऐसे नहीं है कि ये कंघी में प्रॉब्लम है, वो कंघी में प्रॉब्लम है, कंघी में कुछ नहीं रखा है, तेल में कुछ नहीं रखा है, अपने अंदर से प्रॉब्लम अगर होगी तो हेयर फॉल होगी। आपको सही टाइम पे पानी पीना चाहिए। अभी फिलहाल के जैसे कि मैं पानी वगैरह सही से पी रही हूँ, एंड कुछ भी पहले खाना पीने का ध्यान ही नहीं देती थी पहले पहले, और अभी फ़िलहाल के बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, पानी पी रही हूँ, और सुबह सुबह उठ के भी जो मिश्री पानी है वो पीती हूँ, नारियल पानी पीती हूँ, तो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है अभी, फील कर रही हूँ मैं। और बस यही है, हेयर ऑयलिंग मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हेयर मसाज भी कर ली, वुडन कोम से भी कोम कर लिया है, और बहुत दिनों बाद आज हेयर ऑयलिंग की थी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मैं मिलती हूँ आपसे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।